सभी मित्रों को जय जय सियाराम। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो शरद पूर्णिमा के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा और शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसी के संदर्भ में आज हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं को क्यों मनाई जाती है शरद पूर्णिमा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक साहूकार की दो बेटियाँ थीं। दोनों बेटियों ने पूर्णिमा का व्रत रखा। बड़ी बेटी ने पूरे विधि विधान से व्रत का पालन कर उसे पूरा किया, वही छोटी बेटी ने व्रत को अधूरा छोड़ दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि छोटी बेटी की हर संतान पैदा होने के कुछ समय बाद ही मर जाती थी। तब उसने ब्राह्मणों से इसके पीछे की वजह पूछी। उन्होंने कहा कि हे कन्या, तुमने पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी सभी संतान मृत्यु को प्राप्त हो रही है। यदि तुम पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत करती हो तो तुम्हारी कोई भी संतान मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। जिसके बाद उस कन्या ने पूरी विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से बहुत सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन घर का मुख दरवाजा खोल कर रखे, ताकि घर के बाहर रोशनी आती रहे और माता घर के भीतर आ सके। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चांदनी रात में रखने को कहा जाता है। इससे उस खीर में अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन घर की साफ सफाई अच्छी से करनी चाहिए। तो बोलिए जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी।